क्या आपने कभी सोचा है कि सांप चंदन के पेड़ से ही लिपटे क्यों रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि अक्सर सांप चंदन के पेड़ से लिपटे हुए मिल जाते हैं, या तो इनमें लिपटे होने को देखा जा सकता है, या तो कहानियों में आपने सुना होगा, या तो आपने आंखों देखी तो ही देखा होगा चंदन के पेड़ों पे सांप लिपटे रहते हैं। तो क्यों लिपटे रहते हैं, क्या मिलता है उन्हें, क्या आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है आखिर सांप चंदन के पेड़ से लिपटे हुए क्यों मिलते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। कितने सारे लोग का कहना है कि चंदन की खुशबू की वजह से सांप उसे सूंघते हुए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर पहले ही बता चुके हैं कि सांपों के अंदर सूंघने की क्षमता नहीं होती है, वो अपने जीभ के द्वारा आसपास के इलाकों का जायजा लेते हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? दरअसल सांप चंदन के पेड़ से लिपटे होते हैं ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चंदन की प्रवृत्ति शीतल होती है, और चंदन के आसपास के वातावरण की तुलना में चंदन का पेड़ ज्यादा शीतल होता है, जिसकी वजह से चंदन सांप के पेड़ पर आपको लिपटे हुए मिल सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। चंदन विषयापत नहीं, लिपटे रह भुजंग, इसका मतलब आपने पता ही होगा, बचपन में पढ़े होंगे कि चंदन के पेड़ पर कितना भी सांप लिपटे रहते हैं मगर वह अपनी शीतलता और बिख नहीं रहता है। तो आप इसी तरह समझ सकते हैं चंदन का पेड़ कितना शीतल होता है। चंदन को रगड़ कर माथे पर भी लगाया जाता है, जिससे कि माथा भी हमेशा ठंडा रहता है। साधु वो लोग लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।